दोस्तों, अगर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो आज मैं जो कंपनी बताने वाला हूँ वहाँ से आपको 100% लोन मिल जाएगी। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है माई शुभ लाइफ। दोस्तों, माई शुभ लाइफ एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है और ये कंपनी 3,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक की लोन प्रोवाइड करती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर आपको दो तरह की लोन देखने को मिलेगी, एक बड़ी अमाउंट की लोन और एक छोटी अमाउंट की लोन। आप अगर बड़ी अमाउंट की लोन लोगे तो वहाँ पर आपको इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप छोटी अमाउंट की लोन लोगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये माई शुभ लाइफ एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेने का A to Z प्रोसेस बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माई शुभ लाइफ पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। डेटा साइंस टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.4 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। दोस्तों, आप इसके रिव्यू देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक ट्रस्टेड और जेन्युइन एप्लीकेशन है। अब दोस्तों, ये माई शुभ लाइफ पर्सनल लोन के अलावा इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट जैसे बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर पर्सनल लोन की बात करें तो 3,000 रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक की लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और इस लोन को लेने के लिए आपकी मिनिमम सैलरी 12,000 रुपये होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन को आप स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों में यूज कर सकते हो। 3 महीने से 3 साल का आपको टेन्योर मिलेगा। 16% से 44% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा, और 0% से 3% तक प्रोसेसिंग फीस भी लगाई जाएगी, वो भी आपके प्रोफाइल रिस्क पर डिपेंड करेगी। और दोस्तों, माई शुभ लाइफ तमिल, तेलुगु, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, इन सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो अगर आप यहाँ से 1,00,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए 26% इंटरेस्ट पर लेते हो तो 14,637 रुपया उस पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, 2,360 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगेगी, तो 1,00,000 रुपये की लोन पर आपको टोटल कॉस्ट आएगी 16,996 रुपये, और आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा 1,16,999 रुपया, यानी कि 16,996 रुपया आपको ज्यादा चुकाना रहेगा 1,00,000 रुपये के लोन पर 12 महीनों के बाद। लेकिन दोस्तों, ये लोन अगर आपको 26% इंटरेस्ट पर मिलती है तो यहाँ पर दोस्तों आपके इंटरेस्ट और आपके टेन्योर के हिसाब से इसमें चेंजेस भी हो सकता है, तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर दो तरह की लोन प्रोवाइड की जाती है, एक बड़ी अमाउंट की लोन और एक छोटी अमाउंट की लोन। अगर आप बड़ी अमाउंट की लोन लोगे तो उस पर आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिस पर आप 2,00,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो, और अगर आप एक छोटी अमाउंट की लोन लेना चाहते हो तो वहां से आप 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो, और वो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको दी जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों, हम एक छोटी लोन अमाउंट अप्लाई करने का प्रोसेस जानेंगे। अब दोस्तों, इस एप्लीकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह कंपनी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर इतनी सारी इसकी NBFC है, जिसका नाम यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, SDB फाइनेंस है, एकग्रता फाइनेंस है, एक्सिस फाइनेंस, इनक्रेट फाइनेंशियल और DMI फाइनेंस, इन सारी इसकी NBFC है जिसके थ्रू यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों, मैं जो छोटी अमाउंट की लोन की बात कर रहा हूँ वो दोस्तों एकग्रता फाइनेंस की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है। और दोस्तों, नीचे यहाँ पर इसके कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे दिया हुआ है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस एप्लीकेशन को ओपन करके आगे की प्रोसेस देखते हैं कि इस एप्लीकेशन में हमें लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो हम दोस्तों अभी इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें दोस्तों अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट रखते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, तो हमारे सामने दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा, SMS, स्टोरेज, लोकेशन, फोन जैसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो इन सारी परमिशन को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अपने Google ID से साइन अप करना है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर साइन इन विद Google पर क्लिक करना है, तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके ईमेल ID वाले सेक्शन में, जहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल ID होगी वो आपके सामने आ जाएगी। इनमें से जिस ईमेल ID को इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हो, यानी कि रजिस्टर करना चाहते हो, उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही दोस्तों आप ईमेल ID सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, और आपसे यहाँ पर एक लोकेशन की परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आपको इसे एक्सेप्ट कर देना है, और आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, जो पैन कार्ड में हो सो वैसा ही, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। हालांकि मेरा यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है फुल नेम और मोबाइल नंबर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें एक बार रजिस्टर किया हुआ था, तो आपको ये दोनों चीज सिंपली एंटर करनी है। और यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आप यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर एंटर करोगे उस पर एक OTP आएगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आएगा,
तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों ये दोनों चीज एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें बताया गया है कि क्या आप व्हाट्सएप की परमिशन देना चाहते हो। अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक रहना देना है, अन्यथा इसे अनटिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी दोस्तों यहाँ पर हमें फिल करना है। तो यहाँ पर ओटीपी आने में थोड़ी सी देर लग सकती है, यहाँ पर 30 सेकंड का टाइमर चलेगा, उतनी देर तक यहाँ पर हमें ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। तो आप हमारे केस में देख सकते हो दोस्तों हमें यहाँ पर ओटीपी मिल चुकी है, हम यहाँ पर वो ओटीपी एंटर कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे तो आप पहुंच जाओगे माई शुभ लैब के होम पेज पे, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर ही माई शुभ लैब की सारी सर्विस आपको दिखाई दी जाएगी, इनमें से कोई भी सर्विस का आप लाभ ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम सिर्फ लोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो लोन के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक पर्सनल लोन का सेक्शन दिखेगा, तो इस पर आपको नहीं जाना है। यहाँ पर आपको लोन का सेक्शन दिखेगा तो इस पर भी आपको नहीं जाना है। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों सेक्शन पर बड़ी अमाउंट की लोन मिलती है, यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो आज हम दोस्तों छोटी लोन अमाउंट की बात करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको साइड में स्क्रॉल अप करना है तो आपके सामने यहाँ पर एक छोटी लोन अमाउंट का सेक्शन आएगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो छोटा लोन, यहाँ से आप 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। तो इसी पर ही दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी पेज आएगा जिसमें सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और पिन कोड एंटर करना है। हालांकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मेरी सब कुछ डिटेल यहाँ पर पहले से आ गई है। आपको इतनी चीज एंटर करनी है और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सबसे पहले दोस्तों आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर सैलरी शो करना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय शो करोगे तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर लोन चाहिए तो यहाँ पर आपको सैलरी शो करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई बैंक स्टेटमेंट या सैलरी स्लिप वगैरह कोई नहीं पूछा जाएगा। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन भी हो फिर भी आपको यहाँ पर सैलरी शो करना है और अपने मन मुताबिक आप कोई भी कंपनी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपकी मंथली इनकम एंटर करनी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है और आपकी कंपनी का नाम एंटर करना है। आप यहाँ पर कोई भी कंपनी का नाम दे सकते हो, जैसे कि टाटा, रिलायंस, कोई भी कंपनी का नाम आपको चूज है वो कंपनी यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद सिंपली दोस्तों गेट लोन ऑफर पर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों गेट लोन ऑफर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कुछ ही देर में यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज मिलेगा और यहाँ पर बताया गया है कि यू आर एलिजिबल टू अवेल अ लोन विद माई शुभ लाइफ, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली अप्लाई पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ हम एक लोन के लिए एलिजिबल है, जो एक छोटा लोन है उसके लिए ही एलिजिबल है। अगर दोस्तों आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो यहाँ पर आपके सामने दो लोन आ जाएगी। पहली तो यही लोन होगी छोटी अमाउंट की लोन और दूसरी बड़ी अमाउंट की लोन भी यहाँ पर आपको शो करेगी। तो हमारे केस में दोस्तों सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट अभी लॉक है, तो उसे अनलॉक करने के लिए यहाँ पर हमें सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों हमारे इस प्रोडक्ट को अनलॉक करने के लिए हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसमें पहले स्टेप में हमें अपना एड्रेस देना है, दूसरे स्टेप में हमारे लोन की डिटेल हमें देनी है और तीसरे स्टेप में हमें KYC करना है। तो एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें जेंडर सिलेक्ट करना है कि हम मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रेसिडेंट टाइप सिलेक्ट करना है, यहाँ पर स्टेइंग साइंस, हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम एंटर करना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर लोकेलिटी, लैंडमार्क और पिन कोड नंबर एंटर करना है और सेव इन प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे स्टेप में हम पहुंच जाएंगे। दूसरे स्टेप में दोस्तों हमें यहाँ पर लोन की डिटेल देनी है। तो लोन की डिटेल में सबसे पहले हमें लोन अमाउंट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर दोस्तों 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की लोन प्रोवाइड की जाती है। इनमें से आपको कितनी लोन अमाउंट की जरूरत है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर दोस्तों 10,000 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें टेन्यूर सिलेक्ट करना है। तो टेन्यूर यहाँ पर दोस्तों 2 मंथ, 3 मंथ और 4 मंथ में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं दोस्तों सजेस्ट करूंगा कि हो सके तो यहाँ पर दोस्तों आपको कम टेन्यूर सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप ज्यादा टेन्यूर सिलेक्ट करोगे उतनी ज्यादा आपको लोन महंगी पड़ेगी। आपको कम से कम टेन्यूर यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लोन का पर्पस सिलेक्ट करना है। उसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, जिस बैंक में आप इस लोन अमाउंट का लेना चाहते हो वो बैंक डिटेल यहाँ पर आपको ऐड करनी होगी। तो बैंक डिटेल ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक होल्डर नेम एंटर करना है, जो भी आपका बैंक में नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है यहाँ पर और आपके बैंक का IFC कोड एंटर करना है। उसके बाद सिंपली सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आप सेव एंड प्रोसीड करोगे तो आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और आप तीसरे वाले स्टेप पे पहुंच जाओगे, जिसमें आपको KYC करनी है। KYC में दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ देना है। तो एड्रेस प्रूफ वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड देना है। तो KYC में दोस्तों आपको सिर्फ आधार कार्ड KYC करनी है। तो आधार कार्ड KYC करने के लिए यहाँ पर आपको आधार बेसिक KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक नया सेक्शन ओपन होगा जिसमें आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर कर लेते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनिशिएट सेशन, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने दोस्तों कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आएगा,
जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको एक कैप्चा शो करेगा, वो यहाँ पर दोस्तों आपको एंटर करना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड में जो दोस्तों मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दोस्तों यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पर केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में देख सकते हो, हमारा तीनों सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमारा एड्रेस, लोन डिटेल और केवाईसी तीनों यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, तो इसे दोस्तों सिंपली स्किप कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों इसे स्किप करोगे तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर अप्रूवल के लिए जाएगी, और दो दिन का यहाँ पर हमें समय दिया गया है कि दो दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर एलिजिबल हो या नहीं। यहाँ पर दोस्तों दो दिन का समय दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर पूरे दो दिन का समय नहीं लगता, सिर्फ दो मिनट में आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पर दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन में बैंक जाके फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन किया, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे डिस्प्ले पर भी बता दिया गया है कि लोन रिजेक्ट, यानी कि दोस्तों हमारा लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, हम इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। हम इसके व्यू डिटेल में देखें तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया गया है कि आपकी डिटेल हमारी क्रेडिट पॉलिसी के तहत नहीं आती, यानी कि दोस्तों ये कंपनी सैलरीड पर्सन को ही लोन प्रोवाइड करती है, और मैंने दोस्तों यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट किया था, इसी वजह से दोस्तों मेरा लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है। और दूसरा रीजन दोस्तों हमारा क्रेडिट स्कोर भी खराब है, इसी वजह से भी दोस्तों हमें यहाँ पर रिजेक्शन मिला है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी स्मार्टफोन में लोन भी चल रही है और मैं बार बार अलग अलग कंपनी में लोन के लिए अप्लाई भी करता रहता हूँ, तो इसी वजह से दोस्तों मेरे क्रेडिट स्कोर पर काफी सारी इंक्वायरी रहती है, तो उसी कारण के वजह मुझे यहाँ पर रिजेक्शन मिला है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर इलिजिबल हो गए तो यहाँ पर आपकी लोन एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके बाद वो लोन अकाउंट को आप दो मिनट में अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। आगे आपको कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं करनी होगी, सिर्फ आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा और ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो अब चलिए दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर भाई को यहाँ पर लोन की लिमिट मिली है, तो उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर पता चल सके कि यहाँ पर लोन पर कितना चार्ज लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, भाई को यहाँ पर 3500 रुपया की लिमिट मिली है, जिसमें 3 महीने का टेन्योर मिला है, 1271 रुपया का EMI आएगा हर मंथ। यहाँ पर फर्स्ट EMI की डेट भी देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एडवांस इंटरेस्ट कुछ 41 रुपया लगाया जाएगा और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपया ली जाएगी। ये भाई ने दोस्तों लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ले ली है, लेकिन उसने अपनी बैंक डिटेल हमें शेयर नहीं की। वो भाई शेयर कर देता है बैंक डिटेल तो काफी अच्छा रहता, थोड़ा ट्रस्ट हो जाता। मैंने उसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन फिर भी उस भाई ने अभी तक हमें वो बैंक डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन वो बता रहे थे कि 2800 समथिंग उसके बैंक अकाउंट में कुछ आए थे। तो 3500 रुपया के लोन में से 2800 उसके बैंक अकाउंट में आए, और यहाँ पर दोस्तों आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको कितना रिपेमेंट करना रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों उसे 3 महीने के लिए लोन मिले है, तो उसे यहाँ पर EMI डेट भी बताई गई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप MyShubhLife से पर्सनल लोन ले सकते हो। वैसे तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 99% प्रोसेस आपको बता दी है। अब 1% डिटेल में अगर आपकी लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाती है तो आपको सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में लेना है। मेरा लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो चुका है, अन्यथा मैं दोस्तों वो भी प्रोसेस आपको करके दिखा देता। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर MyShubhLife से पर्सनल लोन ले सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।